Good morning, students. Today I am here with another example of invertebrates, okay, that is snail. Beta, we were studying about body movements in invertebrates, right? So aaj hum movements ke bare mein janenge snail ke. Okay beta, so firstly beta, we should know about the body structure. Pehle hum snail ke body structure ke bare mein janenge, after that we will discuss about the movement. Uske baad janenge ki ye movement kis tarike se karta hai, because ye bhi kya hai aapka invertebrates mein aata hai. So let us start today's lecture. Beta, see here I have already drawn the picture of snail. स्नेल बेटा, जिसे हम संकीड़ा भी कहते हैं, रेनी सीजन में आपको बहुत देखने को मिला होगा या मिलता है. तो इसकी जो बॉडी होती है बेटा, फर्स्टली जो बॉडी है स्नेल की वो सॉफ्ट होती है, ओके, अनसेगमेंटेड होती है. सेगमेंटेड मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अर्थवॉर्म में समझाया था कि सेगमेंट इस तरीके से उसकी बॉडी में सेगमेंट होती है, मीन्स खंड होते हैं बॉडी में, इस तरीके से डिवाइड होती है बॉडी. जबकि जो आपका स्नेल है ये अनसेगमेंटेड होती है, इसमें आपकी सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है स्नेल की, ओके बेटा. जो इसकी जो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स हैव शेल, इनकी बॉडी में शेल होता है जो इनका आउटर स्केलेटन होता है. आपने स्नेल देखा होगा, उसके बाहर से जो संघ होता है उसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं. तो वो उनका आउटर स्केलेटन होता है. स्केलेटन आप बोलेंगे बाहरी खोल जो उनका है, या बाहरी कवरिंग जो उसकी है. सो दैट इज़ ये आपका दिखाया है, ये आपका स्नेल का शेल है, ओके. उसके बाद बेटा क्या होता है, आपका जो शेल है उसके बाद आपके इसमें आ जाते हैं, आपका फुट है. यहाँ पे फुट दिखाया है स्नेल का. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा, जो आपका स्नेल है, स्नेल हैज़ टू पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स. टेंटिकल्स इसमें दिखाई देते हैं, ये आप देख रहे हैं, टू पेयर्स में होते हैं. एक पेयर इनमें बड़ा होता है, लंबा होता है, और दूसरा पेयर छोटा होता है. ये टेंटिकल्स है. और बेटा टेंटिकल्स के जो टिप पे, टिप वाला पोर्शन जो होता है सी, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं आई स्पॉट. यानी कि इसके जो आई स्पॉट होते हैं वो इनके टेंटिकल्स के जो लार्ज पेयर ऑफ टेंटिकल है उसके टिप पे प्रेजेंट होते हैं आई स्पॉट. गॉट इट? जो कि आपको मैं पिक्चर के थ्रू भी दिखाऊंगी. ओके, सो बेटा नाउ इसका जो फुट होता है ये एक स्लिमी सब्सटेंस सीक्रेट करता है. आपने देखा होगा स्नेल की बॉडी में आपको चिपचिपा सा कुछ लिक्विड दिखता है. जब गलती से हमारा हाथ भी उस पर टच हो जाता है तो आपको एक स्लिमी सब्सटेंस फील होता होगा, तो उसे कहते हैं म्यूकस. ओके, वो म्यूकस होता है स्लिमी सब्सटेंस, और फुट से प्रोड्यूस होता है. इनके जो फुट होते हैं वो बेटा कहाँ पे होते हैं, अंडर दी इट्स बैली. इसका जो पेट वाला पोर्शन होता है उसके नीचे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते. तो हमें ऐसा फील होता है कि जो आपका स्नेल है वो उसके पेट के बल पे चल रहा है, या पेट से चल रहा है. ओके, सो इस तरीके से वो क्या करता है, अपने स्टेप जब लेता है तो जो आपके स्नेल होते हैं उनमें मूवमेंट्स किस तरीके का होता है, ये क्रॉल्स करते हैं, मीन्स घसीट के चलते हैं. तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो जो स्लिमी सब्सटेंस है जिसे मैंने बताया आपको म्यूकस कहते हैं, वो म्यूकस वहाँ पे छूट जाता है. इसलिए जहाँ पे स्नेल बैठा रहता है थोड़ी देर में कहीं और जाता है, तो उतने एरिया पे क्या हो जाता है, कुछ स्टिकी सा देखने को मिलता है सब्सटेंस. ओके, तो वो होता है म्यूकस. तो इस तरीके से, और साथ में जब वो ड्रैग करता है आगे के लिए चलता है तो अपने साथ साथ अपने स्केलेटन यानी कि जो उसका शेल है उसे भी ड्रैग करता है, उसे भी घसीटता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्नेल. आपको स्नेल के बारे में आज पता चला. सो टुमारोज वीडियो लेक्चर विल बी अबाउट नेक्स्ट इन्वर्टिब्रेट. ओके, नेक्स्ट इन्वर्टिब्रेट के मूवमेंट जानेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.